हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लखनऊ के गलियों की सैर कराएंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए, शाम के 8 बजे हुए हैं और हम जा रहे हैं घूमने। तो हम आज आप सबको घुमाएंगे। आप सब लोग हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, खाने वाली चीज़ें दिखाएंगे, जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम आपको अपने एरिया की छोटी छोटी सी गलियाँ घुमाएंगे, तो आप लोग देखिएगा कि हमारी गलियाँ कैसी हैं। तो आप लोग चलते रहिए हमारे साथ यूँ ही। आपको ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, ये बाउंड्री हमारी वो है जो कि यहाँ पे महोत्सव लगता है। आप लोगों ने सुना होगा लखनऊ महोत्सव के बारे में, तो ये जो हमारी बाउंड्री दिख रही है, तो इस बाउंड्री के उस पार महोत्सव लगता है। तो हम लोग उसी रोड से आए हैं, तो ये हम आपको अपने एरिया की छोटी छोटी सी गलियाँ घुमा रहे हैं। देखिए पानी भरा हुआ है रास्ते में और थोड़ा सा रोड भी सही नहीं है, रोडें थोड़ा गड़बड़ हैं और रोड पे गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। देखिए ईंटे भी लगे हुए हैं, किसी का मकान बन रहा है तो रोड पे ईंटे भी लगे हैं, गिट्टी लगी है बहुत सारी, प्लांट भी बहुत बड़े बड़े से लगे हुए हैं। ये देखिए ठेला आपको मिल गया है टिक्की बतासे का। तो देखिए पानी भरा हुआ है रास्ते में, बारिश के सीज़न में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो हमारे जो छोटी मोटी गलियां होती हैं उनमें गड्ढे हो जाते हैं और पानी भी भरा रहता है, भर जाता है। तो देखिए कितना सन्नाटा है, सन्नाटा इसीलिए है क्योंकि थोड़ा देर पहले बारिश हो रही थी, तो लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं, कोई भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मोमोज़ की दुकान पे। तो हमें बच्चों को खिलाना है बर्गर और थोड़ी सी चिली पनीर भी हम पैक करा रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ किस तरह से चिली पनीर बनाई जाती है, कैसे बनाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है। फ्रेंड्स, ये लखनऊ की शॉप है और यहाँ पे बहुत अच्छा मोमोज़ है, मैक्रोनी है, चाउमीन है, टिक्की बर्गर सभी कुछ बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए पूरी रोड पे सब इसी तरह से ठेले लगे हुए हैं और शाम के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस टाइम यहाँ हमें भीड़ कम मिली है तो हमने वीडियो शूट कर ली है। वैसे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिलता है, तो इस टाइम यहाँ पर भीड़ नहीं है तो हमने थोड़ी सी वीडियो शूट की है। बारिश की वजह से यहाँ पे लोग अभी नहीं आए हुए हैं और आइसक्रीम के भी ठेले बहुत सारे लगे हुए हैं। ये ट्रॉलियाँ सब दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये सब आइसक्रीम की हैं। और ये जो हमारा फूड कॉर्नर है, तो इस पे हमको मोमोज़, टिक्की, चाउमीन, बर्गर, चिली पनीर जैसी चीज़ें सारी मिलती हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा बच्चों के लिए पैक करवा रहे हैं और रोड पर भी हम दिखा रहे हैं कि कितना सन्नाटा है रोड पे, ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियों से आने जाने वाले लोग दिख रहे हैं और जो पैदल वाले हैं या जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं ऐसे लोग हमें बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहीं से जब भी बच्चों का मन करता है कुछ भी खाने पीने का तो हम यहीं से आते हैं, बच्चों को घुमा भी लेते हैं और बच्चों को खिलाते भी यहीं पर हैं। और जो अगर हमें पैक वैक कराना होता है तो यहीं से हम पैकिंग भी करा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टॉल है ये हमारा, तो हम यहीं से लेते हैं। तो आप देखिए कि ये लोग चिली पनीर को कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है इनका बनाने का, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे तो पता भी नहीं है कि ये लोग क्या क्या डालते हैं इसमें और बहुत ही जल्दी बना देते हैं। तो ये इनकी पनीर कट रही है तो हमें पैक करवाना है, तो ये बनाएंगे अभी चिली पनीर। तो आप लोग देखिए वीडियो कि ये कैसे बना रहे हैं। और ये बर्गर ये बना रहे हैं, तो इनका बर्गर भी पैक हो रहा है।
तो ये लोग बर्गर, चिली पनीर, चाउमीन और मोमोज, पास्ता बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आप लोग देखिए। आप लोग देख रहे हैं ना फ्रेंड्स कि कितनी सारी वैरायटी इसमें डाली गई हैं, कढ़ाई में इन्होंने क्या क्या आइटम डाला है कुछ पता नहीं है कि ये लोग क्या क्या डालते हैं, इनकी ट्रिक क्या है। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो ये क्यों इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग क्या क्या डालते हैं। अभी ये डाल ही रहे हैं, अभी इनका आइटम पूरा नहीं हुआ है, तो देखिए ये सब इतनी इतनी चीज़ें डाले हैं, अभी भी कम है। तो देखिए इन्होंने फिर से कुछ डाला है, क्या क्या डालते हैं ये लोग, कैसे बनाते हैं। छोटी सी ही कढ़ाई है और इसी कढ़ाई में ये लोग इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट बना के दे देते हैं 2 मिनट के अंदर। घर में इतनी कोशिश करने के बाद भी इतना ज़्यादा टेस्टी आइटम नहीं बन पाता है, तो इनका जो भी बनाने का तरीका है बहुत अच्छा है, लाजवाब है, फटाक से बना लेते हैं, 2 मिनट में कस्टमर के लिए बना के रेडी कर देते हैं। और ये देखिए इनकी चिली पनीर बनकर रेडी है, इन्होंने पैक भी कर दिया है। इनका कोई भी आइटम बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहता है, ये फुल चिली पनीर 140 का देते हैं और हाफ देते हैं 70 रुपये का, तो ये काफ़ी अच्छा है, कम पैसों में स्वादिष्ट आइटम मिल जाता है। तो ये चिली पनीर हमारी जो हमने पैक करवाई है 70 रुपये की है, और बच्चों के लिए हमने बर्गर भी पैक करवाए हैं, बिटिया ने अपने लिए चिली पटेटो भी पैक कराया है।